2 बजने वाले हैं, 1:52 PM टाइम हो रहा है और मैं मुंबई की अंधेरी में अभी रह रही हूँ और यहाँ पे जो है अंधेरी ईस्ट में तेज़ बारिश शुरू हो गई है। कल रात से ही बारिश हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी जो है तेज़ बारिश शुरू हो गई है और हवा तेज़ चल रही है बहुत ज़्यादा। और फ़िलहाल कोई अभी तक नुकसान नहीं हुआ है मेरे आसपास यहाँ पे, लेकिन हाँ तेज़ बारिश ज़रूर शुरू हो गई है, बहुत हवा चल रही है और बहुत पेड़ है यहाँ पे, तो दिस इज़ द ओनली कंडीशन दैट इज़ अ लिटिल स्कैरी। ये भी सुनने को मिल रहा है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी थोड़े टाइम के लिए, तो उसी की वजह से थोड़ी सी टेंशन है सब लोगों में। उसके अलावा आई थिंक अभी तो फ़िलहाल ट्रेमर्स नहीं फील हो रहे हैं और मुंबई में तो साइक्लोन आ चुका है, हिट कर चुका है आई थिंक साउथ के एरियाज में। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी भी सिर्फ तेज़ बारिश हो रही है। अंधेरी ईस्ट में हूँ मैं और कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तेज़ हवाएं नहीं चल रही है फ़िलहाल, सिर्फ बारिश हो रही है और मैं भी अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन इतना कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ बारिश हो रही है। पीपल आर स्टिल गेटिंग आउट, लोग बाहर निकल रहे हैं एंड काम भी चल रहा है। ये पेड़ इस गाड़ी के ऊपर गिर सकता है बट द कार ओनर डज नॉट केयर क्लियरली, गाड़ियों को पेड़ों के नीचे ही पार्क किया हुआ है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे भी थोड़ी बहुत रोशनी है बाहर और यहाँ पे बारिश जो है वो रुक चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले तो कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही थी और अब बारिश रुक चुकी है, हवा भी चलनी बंद हो गई है। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़े से पेड़ के पत्ते गिरे हैं बड़े बड़े और कोई पेड़ वगैरह नहीं गिरा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है भारी यहाँ पे तूफान से। एक पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे स्ट्रीट लैम्प्स भी चल रही हैं नीचे एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ देयर, सब कुछ नॉर्मल है। बस थोड़ी सी कांस्टेंट बारिश हो रही थी और वो भी अभी थोड़ी सी रुक गई है। इस समय शाम के 7:45 बजे तक आई थिंक अंधेरा हो जाएगा हल्का फुल्का और लाइट भी है यहाँ पे। सो दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे। नथिंग वेरी स्केरी और रोड्स आर ऑल्सो वेरी लाइक क्लीन, मतलब क्लॉग्ड नहीं है, पानी जा रहा है, ड्रेन हो रहा है, पानी जमा नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।